नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज दर्शकों के कुछ प्रश्नों को लेंगे जो कि महत्वपूर्ण हैं। एक साधक ने यह प्रश्न पूछे हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि इनके प्रश्न क्या हैं। जय मां पराशक्ति गुरुजी, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, कृपया इन प्रश्नों के जवाब दीजिए और इन प्रश्नों को प्रश्न उत्तर श्रृंखला में शामिल कीजिए। पहला प्रश्न, अप्सरा और यक्षिणी साधना की तुलना में नागिन साधना की लोकप्रियता कम क्यों है? क्या नागिन को प्रत्यक्ष पत्नी रूप में सिद्ध कर सकते हैं और इसमें कितनी अवधि लग सकती है? गुरु मंत्र का जाप शमशान में करने से क्या होता है? गुरु मंत्र का जाप माता के किसी शक्ति पीठ में करने से क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति जिसने गुरु मंत्र का राजसिक संकल्प लिया है, क्या वह व्यक्ति कुछ समय बाद सात्विक संकल्प में बदल सकता है? क्या कोई गुरु मंत्र का जाप अपने माता पिता या किसी और को समर्पित कर सकता है? क्या आपके द्वारा प्रदान किए गए गुरु मंत्र की साधना पूर्ण करने के बाद कोई उग्र साधना कर सकता है, जैसे कि कोई शमशान की साधना हो, तो क्या उस व्यक्ति की अगर साधना के दौरान गलती की वजह से मृत्यु हो सकती है? अगर कोई भरपूर मात्रा में गुरु मंत्र का जाप हवन सहित पूर्ण करता है, तो क्या उसकी किसी साधना में सफलता की गुंजाइश बढ़ती है? क्या दूसरे पंथ के लोग अपने पंथ का पूर्णतः पालन करके पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं? माता पराशक्ति मार्ग शाक्त मार्ग से किस प्रकार से भिन्न है? इस प्रश्न का जवाब आपको उचित लगे तो ही दीजिएगा। क्या आप भी तंत्र साधनाएं करते हैं और करते हैं तो किस प्रकार की? अगर प्रश्न पूछने में कोई गलती की हो तो क्षमा करें। जय मां पराशक्ति। तो आपने यह कुल 10 प्रश्न पूछे हैं, यह महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इनके उत्तर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने पूछा कि आखिर नागिन साधना की लोकप्रियता अप्सरा और यक्षिणी साधना की तुलना में कम क्यों है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है कि अगर आप अप्सरा को धोखा देते हैं या यक्षिणी को किसी को आप धोखा देते हैं, तो वह आपको छोड़कर चली जाती है। लेकिन अगर आपने नागिन को धोखा दिया, तो उसे नागिन इसीलिए कहा जाता है कि वह किसी भी प्रकार से आपको क्षमा नहीं करेगी। अगर यक्षिणी यह देखती है कि आप किसी पर स्त्री से संबंध बनाते हैं, तो शायद आपको छोड़ दे। अप्सरा भी यही करती है, लेकिन नागिन अगर ऐसा करती है और देखती है, तो फिर वह आपको मृत्यु दंड दे देगी और जिससे आप जुड़े हैं उसको भी मृत्यु दंड देगी। इसीलिए बड़ा ही प्रचलित शब्द है कि यह तो नागिन है, मतलब कि यह किसी को भी छोड़ने वाली नहीं। यही कारण है कि लोग इसकी लोकप्रियता नहीं रखते हैं। इसके अलावा नागिन जहरीली भी होती है, हो सकता है आप उसके बराबर ऊर्जा धारण ना कर पाए तो भी आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए नागिन साधना की लोकप्रियता समाज में बहुत कम है, हालांकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है, लेकिन कभी भी उसकी सिद्धि के लिए लोग ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि नागिन को अगर प्रत्यक्ष पत्नी के रूप में अगर आप सिद्ध करते हैं और इसमें कितनी अवधि आपकी लग सकती है? तो साधना चाहे कोई भी हो, वो कोई भी किसी भी प्रकार की साधना हो सकती है, लेकिन उसको सिद्ध करने में समय साधक की निर्भरता, उसके मंत्र जाप की एकाग्रता, ध्यान का न भटकना, उस शक्ति के प्रति समर्पण और प्रेम, ये सारी चीजें उसमें काउंट करती हैं। लेकिन आप अगर इस आधार पर तुलना करना चाहते हैं, तो नागिन साधना जल्दी सिद्ध होगी और निश्चित रूप से इस शक्ति को पत्नी रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है। जो भी इसे सिद्ध करता है वह इच्छाधारी नाग के समान शक्ति वाला भी हो जाता है। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि गलती आप नहीं कर सकते हैं इनकी साधनाओं में, यह आपको अप्सरा की तरह और यक्षिणी की तरह क्षमा नहीं करेगी, इसीलिए लोग इन साधनाओं को कम दिवस की होने के बावजूद करने से डरते। अब आपने अगला प्रश्न पूछा है कि गुरु मंत्र का जाप अगर शमशान में करेंगे तो इससे क्या हो सकता है? तो कोई भी साधना हो, अगर शमशान भूमि में की जाए
तो शमशानी शक्तियां जल्दी जागृत और इनके कार्य करने का तरीका भी बहुत तीव्र होता है। लेकिन कहते हैं ना, जिससे जुड़ेंगे उसकी जैसे ही आप बनने लगते हैं। अगर सरल भाषा में इस बात को समझे कि अगर आपने शेर को पाला है तो उसे उसी हिसाब से भोजन मांस देना पड़ेगा और आपको भी सदैव उससे सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि वह पालतू है, लेकिन इस पालतू जानवर से आपको हमेशा सावधान भी बने रहना है। पता नहीं कब इसे ज्यादा गुस्सा आए और आप इसे संतुष्ट ना कर पाए तो यह आप पर ही वार करके तुरंत आपको समाप्त कर सकते। बस इसी वजह से शमशानी साधनाएं करने में लोग डरते भी हैं। सिद्धि यहाँ जल्दी मिलती है, कार्य भी निश्चित रूप से होते हैं। अब उदाहरण के लिए इसी उदाहरण से समझिए कि आपने अगर शेर को पाला है और आपने किसी पर उसे कहा जाओ इस आदमी को मार दो तो वह बड़ी आसानी के साथ उसे मार देगा। वहीं यह कार्य अगर आप किसी मनुष्य को देते हैं तो उसके लिए यह करना कठिन भी है और तीक्ष्ण भी नहीं है। इतना ज्यादा तीव्रता के साथ वह यह कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों शमशानी साधनाएं षट कर्मों में ज्यादा प्रभावशाली। गुरु मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, किसी विशेष क्रिया के लिए या कोई काम के लिए शमशान में जाकर जपा जाता है, इससे शमशानी शक्तियां जागृत होती। अगर गुरु मंत्र का जाप माता के किसी शक्ति पीठ में किया जाएगा तो वह सामान्य जाप से अधिक प्रभावशाली होगा, यह बात निश्चित रूप से तय है। लेकिन होता क्या है कि हम किसी ऐसे शक्तिपीठ या मंदिर या सिद्ध स्थान में जब जाते हैं तो वहां लोगों की भीड़ हमेशा ही बनी, तो जैसा हम समझते हैं वैसा होता नहीं। अगर वहां एकांत मिले तो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली, लेकिन वहां हमें एकांत नहीं मिलता। इस वजह से हम वहां कोई साधना भी नहीं कर पाते और उसमें सफलता भी जल्दी नहीं मिलती है। तो शक्तिपीठ हो, एकांत हो और आपको देखने आप पर नजर डालने वाला कोई ना हो, तब कई गुना ज्यादा प्रभाव आप देखेंगे मंत्र जप। अगला प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति जिसने गुरु मंत्र का राजसिक संकल्प लिया है, क्या वह व्यक्ति उसे कुछ समय के बाद सात्विक संकल्प में बदल सकता है? तो जैसे कि मैंने इस बारे में कई सारे वीडियोस में बताया है कि आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो भी संकल्प लेते हैं उस पर टिके रहना आवश्यक है। यह न हो कि आप संकल्प बार बार बदलते रहें। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि संकल्प नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए, न कि ऊपर से नीचे की ओर। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि शुरुआत में प्रत्येक साधक राजसिक संकल्प ही ले, ताकि खान पान संबंधी, ब्रह्मचर्य संबंधी, अन्य प्रकार की कई जो समस्याएं एक साधक के जीवन में आती हैं, उसकी वजह से उसकी साधना कभी भी भंग ना हो। लेकिन याद रखें, तामसिक से आप राजसिक की ओर आसानी से जा सकते हैं, राजसिक से सात्विक की ओर जा सकते हैं, लेकिन सात्विक से राजसिक और तामसिक की ओर ना जाएं। इससे आपका सारा तप ऊर्जा नष्ट होती है, आपके जीवन के उद्देश्य अवश्य ही, छोटी इच्छाएं आपकी बहुत जल्दी पूरी हो सकती हैं, लेकिन जीवन का जो मूल उद्देश्य मोक्ष है उससे आप भटक जाएं। तो सोच समझ के संकल्प लें और उस पर टिके रहें, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या कोई गुरु मंत्र का जाप अपने माता पिता या किसी और को समर्पित कर सकता है? देखिए, अपने कर्मों के लिए व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होता है, लेकिन अपनी ऊर्जा का कुछ अंश अवश्य ही वो किसी को दे सकता है जब हम किसी के लिए मंत्र जाप करते हैं। लेकिन कभी भी इस बात के लिए हमेशा याद रखें कि आप जैसे भोजन आपने किया और आप सोचें कि मेरा यह भोजन मेरे माँ बाप को मिल जाए तो वह नहीं मिलता है, इसी तरह पूर्णतः स्पष्ट रूप से की गई साधना और उसका प्रभाव आपको ही मिलता है। हाँ, उसका कुछ अंश आपके माता पिता और बाकी लोगों को आप दे सकते हैं तो कुछ प्रतिशत उन्हें अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे घर में रहने वाला इंसान हर चीज में भागीदार, और यही कारण है कि कई लोगों को गृहस्थ जीवन में सिद्धियां नहीं प्राप्त हो, क्योंकि उनकी ऊर्जा चारों तरफ बटती रहती है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूता है, उसके संपर्क में रहता है, जबकि उसके अंदर उसके जैसी तपस्या और ऊर्जा नहीं होती। तो यह तो स्पष्ट है कि आप
ऊर्जा को अगर समर्पित करेंगे तो कुछ प्रतिशत अवश्य ही उन्हें प्राप्त होगा, लेकिन संपूर्ण कभी भी प्राप्त नहीं होता है। क्या आपके द्वारा प्रदान किए गए गुरु मंत्र की साधना पूर्ण करने के बाद कोई उग्र साधना करता है, जैसे कि कोई शमशान की साधना, तो क्या उस व्यक्ति की साधना के दौरान गलती की वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है? देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, अगर गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर लिया है तो उसका कोई भी शक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, अगर वह गुरु मंत्र के प्रति समर्पित। लेकिन कुछ लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, जैसे किसी का दिल बहुत कमजोर है तो वह घबरा कर या इतना ज्यादा डर जाता है कि वह उसकी वजह से बेहोश हो जाता है या उसकी हृदय गति रुक जाती है, तो मृत्यु हो भी सकती है, क्योंकि उसका जो चरित्र है इतना कमजोर है कि वह इतना जल्दी डर जाता है या भयभीत हो जाता है कि वह शक्ति चाहे कुछ करे या ना करे, आपका मन और मस्तिष्क इतना कमजोर है कि आप उसे धारण नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि पहले आत्मबल को बढ़ाइए। हालांकि गुरु मंत्र से यह बढ़ता है, धीरे धीरे शक्तियों से जब संपर्क होने लगता है तो व्यक्ति के मन से घबराहट भी खत्म होने लगती है। लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं, कुछ लोग मन और मस्तिष्क से बहुत मजबूत होते हैं, वहीं कुछ लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो इस अंतर की वजह से धीरे धीरे ही साधनाओं की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले गुरु मंत्र की साधना पूर्ण करने के बाद तांत्रिक साधनाओं में अप्सरा, परी, यक्षिणी, योगिनी इत्यादि की सरल साधनाएं और सौंदर्य साधना से शुरू करना चाहिए। इन शक्तियों को प्राप्त करके धीरे धीरे हम तंत्र के विभिन्न प्रकार के प्रभाव, डर, भय, काम परीक्षा, क्रोध परीक्षा, अन्य सभी चीजों का सामना करते हैं, तो फिर आप निश्चित रूप से तैयार हो जाते हैं फिर भयानक साधनाओं। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि अगर कोई भरपूर मात्रा में गुरु मंत्र का जाप हवन सहित पूर्ण करता है तो क्या उसकी किसी साधना में सफलता की गुंजाइश बढ़ती है? इस प्रश्न का उत्तर मैं कई बार दे चुका हूँ, निश्चित रूप से अगर आप गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं दशांश हवन सहित, तो आपकी सफलता की गुंजाइश अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तप की ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को ही प्राप्त करना किसी भी शक्ति का उद्देश्य हो। आप यह बात जानते होंगे, जैसे आपका उद्देश्य किसी शक्ति की सिद्धि को प्राप्त करना है, उसी तरह उस शक्ति का उद्देश्य होता है आपके अंदर की तप ऊर्जा को प्राप्त करना। इसीलिए सबसे ज्यादा काम परीक्षा ली जाए, क्योंकि काम वासना के कारण जल्दी ही शरीर से ऊर्जा वीर्य के रूप में बाहर निकलती है और तब यह आसानी से उस शक्ति को प्राप्त हो जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा यह परीक्षा ली जाती है। दूसरी क्रोध होता है, क्रोध के कारण भी शरीर से ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इन सब बातों के लिए साधक को हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से सफलता की गुंजाइश उसकी बहुत बढ़ती जाएगी। दूसरे पंथ के लोग अपने पंथ का पूर्णतः पालन करके पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी रास्ता अगर आप माता पराशक्ति के मार्ग से चलेंगे तो उसमें समस्त मार्ग एक साथ जुड़े होते हैं, यह सर्वोच्च मार्ग है। माता पराशक्ति का जो मार्ग है वह सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। कारण यह है कि इस मार्ग में समस्त पंथ जुड़ जाते हैं और इसे छिपा करके भी रखा गया है। माता पराशक्ति के मार्ग से पूर्ण मोक्ष सरल विधि से संभव है, वहीं दूसरे मार्गों में कठिन मार्ग का है, रास्ता बहुत कठिन है और विश्वास वहां टूट भी जाता है। इसीलिए हमारा जो मार्ग है वो सर्वोत्तम है और भाग्यशाली हैं जो हम इस मार्ग के बारे में जानकारी रखते हैं, अन्यथा तो इस मार्ग के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं। अब आपका प्रश्न है कि माता पराशक्ति मार्ग शाक्त मार्ग से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, यह मार्ग भिन्न नहीं है, मार्ग वही है, लेकिन इस मार्ग में आपके लिए सभी मार्ग खुले हुए हैं। इसमें आप वैष्णव मार्ग भी है ले सकते हैं, शिव मार्ग भी ले सकते हैं, शाक्त मार्ग भी ले सकते हैं, क्योंकि तीनों ही शक्तियों का समुच्चय और तीनों ही मार्ग और इसी प्रकार के विभिन्न जितने भी मार्ग हैं सब उसमें जुड़े रहते हैं। इसीलिए क्योंकि शक्ति और मूसरूप से माता पराशक्ति जो है वह संपूर्णता से हर मार्ग में स्थित, उन्हीं की शक्ति से हर देवी और देवता अपनी क्रिया को संपन्न कर पा रहा है। भगवान विष्णु पालन कर पाते हैं, भगवान शिव संहार
ब्रह्मा जी जन्म देना और समस्त देवी और देवता अपने अपने कार्यों को संपादित पाते हैं उसी माता पराशक्ति के कारण। उसी ऊर्जा उसी शक्ति को नमन करने के लिए सभी आपको बैठे हुए दिखाई देते हैं। सभी साधना में अपनी आंखें बंद कर उसी शक्ति को लगातार पुकारते रहते हैं और उसी से ऊर्जा प्राप्त करके अपने कार्यों को संपादित। इसमें गुरु मंत्र का आश्रय लेकर जो भी व्यक्ति अपने अपने मार्ग से मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ता है उसे भी वही दशा और दिशा मिलती है, क्योंकि एक ही शक्ति सर्वव्यापक है और उसी ने सारा मायाजाल रचा हुआ है। इस ज्ञान को किसी भी देवी या देवता के साधना के मार्ग से वह जान सकते। और आपका आखिरी प्रश्न है, आपने पूछा है, इस प्रश्न का जवाब आपको उचित लगे तो दीजिए। क्या आप भी तंत्र साधनाएं करते हैं और करते हैं तो किस प्रकार? देखिए, मैं लगभग पहले जब इस मार्ग में पूरी तरह इसकी जानकारी नहीं थी और शुरुआत में हर व्यक्ति हर एक बात को नहीं जानता है, तब मैंने बहुत सारी तंत्र साधनाएं की, उनमें सफलता भी हासिल। लेकिन अब जो मेरा उद्देश्य है वह यही है कि आप सभी को मोक्ष दिलाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को माता पराशक्ति के मार्ग में लेकर के आना, उनको यह दिखाना और बताना कि माँ के मार्ग से आप मोक्ष की ओर जा सकते हैं, जो कि मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का है। आप भौतिक जीवन में फंसे हुए अगर अपने शरीर के लिए ही सारे कर्म करेंगे तो फिर यह शरीर तो एक दिन बूढ़ा होकर सड़कर धरती में मिल जाने वाला है। लेकिन स्वयं के लिए, जो कि आप जानते ही नहीं कि आप स्वयं एक शरीर नहीं है बल्कि शरीर के अंदर निवास करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक कार जब चलती है तो वह किसी भी मार्ग में कहीं भी जा सकती, लेकिन उसे चलाने वाला अंदर बैठा ड्राइवर ही होता है। तो जो ड्राइवर है वही आपकी आत्मा है, वही वास्तविकता है। लेकिन आपने अपनी आत्मा के लिए क्या किया है? पूरी जिंदगी आप अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इसी वजह से आप मुक्ति के मार्ग से सदैव भटक जाते हैं और संसार के प्रपंच में बार बार फंसकर नीचे की स्थिति में और जाता जाते हैं। पहले हो सकता है मनुष्य जन्म आपने प्राप्त किया, बाद में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इत्यादि का जन्म लेते जाएं, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं वासनाओं विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए बस अपनी इच्छा की पूर्ति और शरीर की पूर्ति के लिए ही जीवन जीते हैं। और जितना आप नीचे जाएंगे उतने ही कमजोर होते चले जाएंगे। और जब दूसरों की भी चिंता करना व्यक्ति छोड़ देता है तो पशु वृत्ति को प्राप्त होता है और फिर पशु बनता है। तो इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि तंत्र का मूल उद्देश्य क्या है। दूसरी बात, अगर मैं कोई तांत्रिक साधना करता भी हूँ तो गुरु होने के नाते अगर मैं उस तांत्रिक विद्या में सिद्धि प्राप्त तो फिर मैं उसी विद्या की जानकारी आपको दे सकता हूँ। और फिर मुझसे आगे के मार्ग के विषय में जो कोई पूछेगा तो वह मैं उसे कभी भी नहीं बता पाऊँ। एक गुरु का यही कर्तव्य है कि वह आगे आगे चले, आगे उस स्तर तक लेकर जाए जहाँ से शिष्य निश्चित रूप से उसका कल्याण हो ही जाए। इसीलिए सारी तांत्रिक साधनाओं को छोड़ माता की एकमात्र साधना और भक्ति मैं करता हूँ। चाहूँ तो विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन यह एक प्रपंच है और जितने प्रपंचों में आप फंसेंगे उतने ही ज्यादा आप दूर होते जाएंगे मूल तत्वों से। और यह बात सबके लिए लागू होती है, लेकिन सबकी सामर्थ्य अलग अलग है। जैसे कि आप में से कई लोग मरने के बाद देवराज इंद्र बने, कुछ लोग अग्नि देवता, कोई वायु देवता, कोई भगवान विष्णु, कोई भगवान शिव, अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। जितनी आपकी सोच, जितना आपका प्रभाव, जितनी आपकी तपस्या, जितना आपका ज्ञान, कुछ लोग वापस मनुष्य रूप में जन्म ले, कुछ लोग स्वर्ग में निवास करें, क्योंकि आपने अपनी आत्मा के लिए कर्म किया, भले ही थोड़ा या अधिक मात्रा में किया। आपने आत्मा के लिए यह कर्म, जिसे हम मंत्र जाप साधना ध्यान पूजा यह सारी चीजें अच्छे कर्मों के साथ करता हुआ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करता है। जबकि आपने देखा है इस दुनिया में जीने वाला व्यक्ति केवल अपने शरीर के लिए जीता है, जबकि वह शरीर भी प्रतिदिन बदल रहा है। जब बचपन था तब इच्छाएं दूसरी, जब जवानी आई तब इच्छाएं दूसरी हो गईं, बुढ़ापा आता है तो इच्छाएं और बदल जाती हैं। आंखें जो पहले देख सकती थी दिखना बंद हो जाता है, नाक जो अच्छे अच्छे चीजें सूंघ सकती थी अब विरक्ति की ओर बढ़ने लगती है, कानों में सुनाई देना कम हो जाता है, दांत सारी चीजें खा नहीं चबा नहीं सकते हैं। तो यह वास्तविकता का
बोध होते हुए भी व्यक्ति स्वार्थ में इतना नीचे गिरता है कि स्वयं के शरीर जो कि एक दिन सड़कर नष्ट हो जाने वाला है, बूढ़ा होकर भस्म हो जाने वाला है, उसी के लिए जीता है और सारे लोग यही करते चले आ रहे हैं। तो मूल उद्देश्य यही है कि सभी को मोक्ष की राह दिखाई जाए, अमृत की राह दिखाई जाए, न कि इस भौतिक जीवन की गंदगी में बार बार फंसने की प्रवृत्ति और उसी में बार बार वह फंसा रहे। इसीलिए मेरा जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि मैं माता पराशक्ति को जितना ज्यादा जान पाऊं अपनी साधना पूजा पाठ के माध्यम से, वही मेरा सबसे सर्वोच्च लक्ष्य है और उन्हीं को जानने से सारी चीजें मैं जान पा रहा हूं। क्योंकि अगर मैं किसी एक चीज को पकड़ लेता तो फिर उसी को जान पाता और वहीं तक सीमित हो जाता और मेरे शिष्य भी वहीं तक सीमित, क्योंकि गुरु जहां तक होता है शिष्य भी वहीं तक की यात्रा आसानी से कर लेता। अगर मैं कोई तांत्रिक साधना करता भी हूं तो वह तांत्रिक साधना मैं माता को ही समर्पित कर देता हूं। ऐसा केवल गुरु ही कर सकता है और गुरु का ही यही उद्देश्य होता है कि वह अपनी समस्त क्रियाओं को, हमसे समस्त ज्ञान को अपनी माता को समर्पित कर दे और वही माँ आप सभी को अच्छी तरह राह दिखाते हुए आगे बढ़ाए और आपका जीवन मुक्ति की ओर लेकर जाए, जो कि सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो यह थे आज के कुछ प्रश्न और जानकारी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।